बुलडोजर वाली बात पर प्रेमचंद्र यादव की बेटियों ने लगाया जातिवाद का आरोप। प्रेमचंद्र यादव की पत्नी ने कहा, हमारी बात सरकार तक नहीं पहुंच रही, एक तरफा दिखा रहा है मीडिया। प्रेमचंद्र की पत्नी का खुलासा, घर सरकारी जमीन पर नहीं, खरीदी हुई जमीन पर बना है, इसके पूरे कागजात हमारे पास हैं। हम लोगों की बात मीडिया पे पूरी बातें पहुंच नहीं रही हैं, जो भी यहाँ आधी बातें ही पहुंच रही हैं। और हम लोग जमीन उनके भाई लिख दिले, जमीन ली थी तो उस समय पैसा दिए थे आप लोग? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो जो है मंद बुद्धि थे, पागल थे, कुछ नहीं है, बाहर जानी चाहिए, बाहर जो चर्चा है। उनका भाई उनका भौजाई पागल उनके कैले रहला, तू भाई भौजाई रहला है लोगन, तो उनका इज्जत से प्यार से रखले रहता लोग अपने घर है, तो इज्जत प्यार से नहीं रखबा लोगन, तो लोग बौराई के ना अपन धन बेची। हाँ, तो इज्जत प्यार से उनका रखल ही नहीं लोगन, तो अपन बौरा के धन बेच दे लेबा ना। आप लोगों ने पेमेंट अकाउंट पे किया था कि कैश दे दिया था? उन्हें कैश दिए जानकल जी जानेंगे उसको, हम नहीं जानते, चर्चा में बाहर है। हम लोगों को नहीं पता, हम कहीं नहीं खेप पता, हमारे पति जनिया हमारे देवर जनिया, बस प्रशासन अब मदद कर रही है आपको? हाँ, बारह लोगों ने मदद कुछ करते बानी सब। कितने बजे घर से हो गए थे? 6 बजे गए बानी, आज जात भर में हल्ला हो गए बा जी। उसके बाद क्या हुआ? अब उसके बाद वहाँ तेरह बते देखा ले बाते। आप लोग नहीं गए थे वहाँ पे? ना जी, हमारे केव खाली हम ही बस रहे कहीं और क्या आई, तो सब लोग देवरिया रह। उनका हत्या गोली मार के किया गया कि कैसे किया गया? पीछे से, पीछे से मारल गई बा, आगे से नहीं के मारल गई, पीछे से मारा गई बा। आप पता लगाइए के फोन करके बुलावले बा। हाँ, कितने लोग हत्या करे? कितने बजे गए थे, रात में, दिन में गए थे? 6 बजे, 6 बजे सुबेरे, 6 बजे, 6 बजे। और उसके बाद जब उनका हत्या हो गया तो फिर यहाँ से कितने लोग गए थे? अभी यहाँ से दामबस में अपने ससुर के भेजले बानी जी। हाँ, ससुर के भेजले बानी, और बाद हालत मान लेते होला तो लोग देखे जेबे करेला, तो लोग देखे गई रही बा जी। हाँ, शासन प्रशासन से क्या आपकी उम्मीदें हैं, क्या न्याय मिल पाएगा कि नहीं आप लोग? अगर योगी सरकार चाहेंगे तो हमें न्याय जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि वो नहीं देख रहे हैं, वो हमारे पक्ष के लोग नहीं देख रहे हैं, हम 3 बेटियों को नहीं देख रहे हैं, बल्कि वही कहते हैं ना बेटी पढ़ा बेटी बचाओ, तो क्यों हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्यों बस दुए परिवार, क्यों कास्ट देख रहे हैं? तो कास्ट ना देखें, वो सरकार है, कौन कास्ट देख रहा है? योगी जी, वो कास्ट ना देखें, पूरे जैसे जैसे सब कुछ जो दोषी है उसको रखा जाए कस्टडी में, लेकिन उसे बाहर ना घुमा जाए, जो उनका लड़का है वो बाहर के लोग को आया था, की हत्या हुई है सारा दोष पर बोलो, अगर हत्या नहीं की होते तो इधर की कुछ यहाँ कुछ नहीं होता, अगर वो खत्म। हाँ, वही लोग तो शुरू किए हैं ना जी। इधर से कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? सकते हैं इतना नहीं पता, पूरे गांव को लोग को ही डाल दिया गया है, उनके लड़के को उधर से भी, उधर से भी आप लोग का कहना है कि उधर से भी उन लोगों को भी डाला? बड़ा बड़ा लड़का है जो सबको बता रहा है कि मेरे पापा कैरेक्टर लेस था, कुछ नहीं था, मेरे पापा, उनकी 3 बेटियां हैं। आप खुद पूछ सकते हैं, स्वभाव के बहुत अच्छे इंसान थे, वो तो गए थे कथा कुछ कहवाने बलिया, कुछ नहीं था अंकल, वो झूठ बोल रहा है, ठीक है, वो झूठ बोल रहा है, हम यही कहेंगे, हमको पता चला है कि वहाँ के लोग बताए हैं कि वही मौजूद था, वो बाहर के आदमियों को लेके आया था, क्योंकि मेरे पापा के सही आप लोग देखे होंगे, अगर जो देखा हो जानता होगा, वो घींच के वहाँ तो उनके दूर तक ले गए होंगे, ले गए हैं लोग वहाँ से, और उसके बाद जो लड़का है जब देखा है कि कुछ संख्या ज्यादा बढ़ रही है तो वहाँ सब चला गया है, उसे भी कष्टगरी में रखा जाए, जो बाकी बाहर के लोग ब्लैक लेके आया था उसे भी कष्टगरी में रखा जाए। यानी कि आपका कहना है कि लड़का कहीं गया नहीं था, लड़का यहीं मौजूद था और वही सब वो किया है? हते टाइम वो मौजूद था वहाँ पे, बाकी उसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे जो उसके साथ के थे जी। हाँ, तो उसे भी कष्टगरी में रखा जाए, जैसे मेरे पूरे गाँव का रखा गया है, वैसे उस लड़के को भी और उस आदमी को भी ढूंढ कर रखा जाए कष्टगरी में। क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे जातिगत का एंगल घूम गया है, यादव बनाम ब्राह्मण हो गया है? लग रहा है हमको ऐसा, अगर हम लोग ब्राह्मण होते तो योगी जी हमारी बात सुनते, हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचती, लेकिन नहीं पहुँच पा रही है क्योंकि हम लोग यादव हैं, इसलिए शुरुआत हम लोग नहीं किए ना, वो लोग शुरुआत किए, हमारी बात उनसे पहुँचना चाहिए, वो ब्राह्मण वो कास्ट ना देखे, बस हमें एजुकेशन होती तो वो अकेले नहीं जाते जी। मेरे पापा बहुत अच्छे आदमी है, ठीक, ऐसा वो कर ही नहीं सकते, और ये जो बोल रहे हैं लोग घर जो है वो सरकारी जमीन में, ऐसा कुछ नहीं है, इसका कागज है घर का, ये घर मेरे दादी के नाम का है, उनके घर वालों ने उन्हें पागल किया हुआ है, वो पागल नहीं है। अच्छा जी, तो पागल नहीं थी। अच्छा, तो ये बताइए जो जमीन लिया गया था तो वो
पैसा दिया गया था ताकि उनका आरोप है कि जोर जबरदस्ती से लिखवा लिया। नहीं, वो अपनी मर्जी से लिखे हैं। अच्छा जी। अच्छा, कोई उन्हें जो जबरदस्ती नहीं किया कि आप जमीन दीजिए। हाँ। ऐसा कुछ नहीं, वो खुद आए हमारे घर। हाँ। और वो खुद ही लिखे हैं। अच्छा, और एक तो पहली बात, हम लोगों की बात मीडिया पे पूरी बातें पहुंच नहीं रही है। हाँ। जो भी आधी बातें ही पहुंच रही है और हम लोग